मोहाली में अफगानिस्तान पर जीत के साथ भारतीय टीम अब इंदौर पहुंच गई है, जहां रविवार को दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एक और जीत के साथ यहां सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, लेकिन सभी की नज़रें विराट कोहली पर होंगी, जो क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 14 महीने बाद वापसी करेंगे। निजी कारणों से मोहाली में नहीं खेलने वाले कोहली ने नवंबर 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दिल तोड़ने वाली हार के बाद इस प्रारूप का एक भी मैच नहीं खेला है। अब उनके आने से जहां भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी, तो वहीं इस स्टार बल्लेबाज के पास T20 वर्ल्ड कप टीम के लिए दावा मजबूत करने का अवसर होगा। दरअसल विराट कोहली का वर्ल्ड कप टीम में चुना जाना काफी हद तक अफगानिस्तान के खिलाफ बाकी बचे दोनों मुकाबलों और IPL में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। ऐसे भी खबरें हैं कि अगर विराट का चयन T20 वर्ल्ड कप के लिए किया जाता है, तो उन्हें नई भूमिका सौंपी जा सकती है। वह कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं। हालांकि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने स्पष्ट कर चुके हैं कि इस सीरीज में रोहित के साथ यशस्वी ही पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर यशस्वी इंदौर में भी नहीं खेलते हैं, तो हमें नई ओपनिंग जोड़ी खेलती दिख सकती है। अगर द्रविड़ दूसरे मुकाबले में भी शुभमन और रोहित की से पारी की शुरुआत कराते हैं, तो फिर विराट नंबर 3 पर खेलते दिखाई देंगे। ऐसे में तिलक वर्मा को उनके लिए जगह खाली करनी होगी। अगर यशस्वी फिट होते हैं तो सुमन को भी बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि नंबर 4 पर शिवम दुबे, 5 पर रिंकू सिंह और 6 नंबर पर जितेश शर्मा का खेलना लगभग तय है। वहीं दूसरी ओर मोहाली में रोहित भी 14 महीने बाद T20 में वापसी कर रहे थे और सभी की निगाहें उन पर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल 2 ही गेंद खेल पाए और रन आउट हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य स्थलों की तरह ही होलकर स्टेडियम को भी बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है, खास तौर पर सफ़ेद गेंद क्रिकेट में, क्योंकि यहां की बाउंड्री छोटी और विकेट स्पॉट होती है। पहली पारी में 210 रन का औसत स्कोर बताता है। भारत ने यहां 3 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत मिली है, जबकि 1 में हार मिली है। यहाँ भारत का सर्वोच्च स्कोर 5 विकेट पर 260 रन है, जो उसने 2017 में श्रीलंका के विरुद्ध बनाया था।